एवरीवन, वेलकम अगेन इन केबीसी। आपका केबीसी में स्वागत है। जैसे कि हम पजल सोल्व कर रहे हैं, एक सीरीज बनाई है हमने, तो जिसमें हम क्या करते हैं, पहले पजल फेसबुक पे अपलोड कर देते हैं, फेसबुक पेज पे अपलोड कर देते हैं, कुछ टाइम बाद उसका वीडियो सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करते हैं। उन पजल को आप पहले अपलोड इसलिए करते हैं ताकि आपको कुछ टाइम मिले, आप खुद सॉल्व करें, फिर हम आप हमारा मेथड देखें, ठीक है। तो यदि आप फेसबुक पेज पे जाना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन पे दी गई है। तो उसी सीरीज में जो आज की पजल है, पजल नंबर 12, उसके बारे में मैंने एक चीज कहा था कि ये 2 मिनट पजल है, मतलब इसका सॉल्यूशन 2 मिनट में ही होना चाहिए, उससे ज्यादा टाइम नहीं लेना चाहिए, उससे कम जरूर हो सकते हैं, आपकी स्पीड पे डिपेंड करता है, क्योंकि ये पजल सिंपल है। और इस तरह की पजल आईपीपीएस क्लर्क प्री में जरूर मिलेंगी, एक पजल जरूर मिलती है इस टाइप की, किसी ना किसी स्लॉट में इस तरह की पजल जरूर आएंगी। तो आज सॉल्व करते हैं उस पजल को, आप भी देखना। दो मेथड से बताऊंगा बच्चे, दो तरीके से करते हैं, आप भी कर सकते हो, इन दोनों तरीकों को मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। देखिए, पहला मेथड देखना, ठीक है। साथ साथ में मैं स्क्रीन में भी यहाँ पे आपके लिए शो करता रहूंगा कि ना किस तरह क्या करना है, क्या हो रहा है, ठीक है, ताकि आपको ब्लैक बोर्ड पे क्लियर ना हो तो वहां पे स्क्रीन पे क्लियर हो जाए, ठीक है। अब पजल देखिए, अरुण, बालवीर, चिंटू, दीपू, ईशान एंड फारूक आर 6 पर्सन इन ऑर्गेनाइजेशन, मतलब 6 पर्सन है। 6 पर्सन के नेम्स में भी क्या स्पेशलिटी है कि सबके नेम्स अलग अलग अल्फाबेट से स्टार्ट होते हैं, तो मुझे पूरा पूरा नाम नहीं लिखना है, तभी तो टाइम बचेगा, है ना। आगे देखते हैं, ईच ऑफ देम इज अ फैन ऑफ एक्स वाई जेड मॉडल ऑफ अ पेन ऑफ सेलो पेन, बट ईच लाइक्स डिफरेंट कलर ऑफ पेन विच विचार कौन कौन से, ब्लैक, व्हाइट, ब्लू, ग्रीन, रेड एंड येलो, अलग अलग टाइप के कलर्स को भी पसंद करते हैं, ठीक। अब देखो क्या है, इनमें भी हम यूज कर सकते हैं, येलो को केवल वाई से डिनोट कर सकते हैं, ग्रीन को केवल जी से डिनोट कर सकते हैं, टाइम बचेगा, ठीक है। एजेस ऑफ पर्संस आर डिफरेंट, मतलब जब हम एजेस के क्वेश्चंस आ जाए ना, तो दो तरीके होते हैं, पहला तरीका डिस्कस करता हूँ, उसके बाद दूसरा करूंगा। यहाँ पे देखो क्या है, 6 पर्सन है, तो 6 पर्सन के लिए देखो क्या करूंगा, मैं एक रो वॉल्यूम में बनाऊंगा पर्सन का, ठीक है। दूसरा चीज है कलर, ठीक है, इन दोनों को, ये दो मुझे चाहिए, ठीक है। अब देखो एक और चीज, कितने पर्सन है, 6, 5, 4, 3, 2 और 1, ये 6, ये 5 के लिए, ये 4 के लिए, ये 3 के लिए, ये 2 के लिए और ये 1 के लिए, ठीक है। अब देखो पर्संस में भी है ना, मैं 2 कॉलम बनाऊंगा, क्यों बनाऊंगा इसका यूज समझ लेना, क्योंकि चीजें जब सामने दिखती है ना तो बहुत इजीली समझ में आ जाती है। कलर्स में भी है ना, मैं 2 कॉलम्स बनाऊंगा, यहाँ पे मैं इसको बंद कर देता हूँ, ठीक है। आप पेपर में क्या कर सकते हो, पहले लाइनें बना सकते हो, हाँ एग्जाम में मना किया जाता है, आप कुछ नहीं लिख सकते, पर तो एग्जाम में ये तो नहीं कहा कि लाइनें ही नहीं खींच सकते आप, तो इस तरह की लाइनें खींच सकते हो, क्योंकि कोई ना कोई फ्लोर बेस हो या फिर एजेस बेसिस हो, क्वेश्चन जरूर आएगा एक ना एक, तो वो लाइनें काम आएंगी, आपका एक रफ पेज तो वैसे ही बहुत मिलते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं। अब इसको समझना, इसमें मैं लिखूंगा राइट, यानी जो चीजें मेरे लिए पॉजिटिव है, और इसमें लिखूंगा रोंग, जो चीजें नहीं है, नेगेटिव है। इसी तरह कलर्स में है, 2 कॉलम बनाए। अब यूज देखते हैं इसका, ठीक है। पहली लाइन पढ़ो, द एल्डेस्ट पर्सन डज नॉट लाइक ब्लू और व्हाइट कलर, ब्लू और व्हाइट कलर, एल्डेस्ट पर्सन कौन सा हुआ, ये 1, 2, 3, 4, 5, 6 किस तरह शो कर रहा हूँ, एक नंबर पे जिसने बर्थ लिया, यानी सबसे पहले बर्थ लिया, 6 नंबर वाला सबसे यंगेस्ट होगा, फर्स्ट वाला सबसे एल्डेस्ट होगा, ठीक है। घर में ऐसे होते हैं ना, फर्स्ट, फिर सेकंड, फिर थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन, तो जो फर्स्ट जनरेशन वाला होता है वो बड़ा होता है ना, इसी तरह यूज करते हैं। अब इसने क्या, एल्डेस्ट डजंट लाइक ब्लू और व्हाइट, तो एक नहीं पसंद करता क्या, ब्लू और व्हाइट। देखो ब्लू को मैंने पूरा इसलिए लिखा है कि ब्लू और ब्लैक में कंफ्यूजन हो जाता है, बाकी को मैं फर्स्ट अल्फाबेट से शो करूंगा, जो स्क्रीन पे आप देख रहे हो उसमें पूरा पूरा आपके लिखा हुआ है। द यंगेस्ट पर्सन डज नॉट लाइक ब्लैक और रेड, यंगेस्ट पर्सन 6 नंबर वाला हूं, ये क्या नहीं पसंद करता, ब्लैक और रेड, ठीक है, चलो काम खत्म। चिंटू लाइक्स येलो कलर एंड ओनली 1 पर्सन इज ओल्डर देन हिम, चिंटू लाइक्स मतलब क्या है, चिंटू लाइक्स येलो कलर और Only 1 पर्सन ओल्डर देन हिम, मतलब उससे ओल्डर केवल एक ही, मतलब उसने कौन से नंबर पर, देखो ये फर्स्ट वाला सेकंड पर बर्थ लेगा तभी तो फर्स्ट, केवल एक ही जना उससे क्या होना चाहिए, बूढ़ा होना चाहिए या वृद्ध होना चाहिए या ओल्डर होना चाहिए। तो चिंटू कहाँ आएगा, यहाँ आएगा, तो मैं लिख देता हूँ सी, चिंटू, और कलर कौन सा पसंद करता है, येलो। देखो मैंने कहाँ लिखा है, राइट वाले में लिखा है, राइट वाले में लिखा है, ये चीज समझने की बात है कि मैं कहाँ लिखता हूँ, कौन सी इन्फॉर्मेशन पॉजिटिव है और कौन सी इन्फॉर्मेशन नेगेटिव है। आगे चलते हैं,
अरुण लाइक्स व्हाइट कलर, ठीक है, एज ओल्डर देन ईशान बट यंगर देन फल, इस तरह के आते हैं ना, एल्डर देन ओल्डर देन, तो ये अरुण इतना पक्का है, इन दोनों के बीच में आएगा, कैसे आएगा समझना। लाइक्स व्हाइट कलर, चलो ठीक है, इसको मैं यहां तो बना नहीं पाऊंगा क्योंकि बहुत केसे जो है यहाँ आए आए आए, तो मैं अलग से लिख लेता हूँ। इसको कैसे लिखूंगा, अरुण लाइक्स व्हाइट कलर एंड ओल्डर देन ईशान, ओल्डर देन ईशान मतलब ईशान क्या है, यंगर है और अरुण ओल्डर है, तो अरुण के जस्ट ऊपर कौन आएगा, ये मैं पूरा लिख रहा हूं आपके लिए, और इसके ऊपर कौन आएगा, ईशान, ईशान आ गया, तभी तो अरुण ओल्डर होगा, ओल्ड नीचे वाले ओल्डर हो रहे हैं ना, इसलिए। आगे देखो, बट यंगर देन फारूक, यंगर देन फारूक यानी फारूक इन दोनों से नीचे है। आई होप इतना समझ में आया हो, जिनको जिन बच्चों को इससे करना आता है मैं ये मेथड भी बता दूंगा, आगे इसी पे ही चलेंगे हम, ठीक है, पहले इसको समझ लेते हैं। ईशान अरुण फारूक, ये आया समझ में, और इसका साथ इसको बता देता हूँ, ये व्हाइट कलर पसंद करता है, ठीक है। अगली लाइन देखते हैं, बालवीर लाइक्स ब्लैक कलर इज एंड इज यंगर देन अरुण बट ओल्डर देन ईशान, ठीक है, जो बालवीर है, मैं बना लेता हूँ, बालवीर, बालवीर है, पसंद करता है ब्लैक कलर, बट साथ में कहा गया है कि इज यंगर देन अरुण, यंगर देन अरुण यानी अरुण क्या आएगा, नीचे आएगा, अरुण नीचे आएगा, अरुण तभी तो ऊपर वाला यंगर होता है ना, नीचे वाला यंगर थोड़ी होता है, ऊपर वाला यंगर होता है, सिक्स नंबर वाला ज्यादा यंगर होगा, है ना। आगे देखो, बट ओल्डर देन ईशान यानी ईशान कहाँ आएगा, ऊपर आएगा। आई होप इतना समझ में आ गया हूं। अब देखो इन दोनों में, इन दोनों में इन क्लू को मैं मर्ज कर देता हूं ताकि एक बन जाए, ये तो मैं इतना कह सकता हूँ कि सबसे नीचे कौन आया होगा, फारूक, उससे ऊपर कौन आया होगा, अरुण, उससे ऊपर आएगा बालवी, उससे ऊपर ईशान। इनको मैं एक बक्से में बंद नहीं कर रहा, इस बक्से में बंद नहीं कर रहा, क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि इनके बीच में पर्सन आ सकते हैं, ये नहीं कहा कि जस्ट नीचे हैं या जस्ट ऊपर हैं या जस्ट बड़े हैं या जस्ट छोटे हैं, ऐसा नहीं कहा ना, तो इनके बीच में पर्सन आ सकते हैं, परंतु इतना पक्का है कि अरुण फारूक से तो ऊपर होगा, बालवीर अरुण से भी ऊपर होगा, और ईशान, इन दोनों को यूज करो ना, देखो फारूक अरुण, अरुण से ऊपर कौन है, बालवीर, बालवीर से ऊपर ईशान, ऐसे भी इसके बीच में बालवीर आ गया। आई होप इतना समझ में आया हो। अब देखो इसको मैं यहाँ पुट कर देता हूँ, चलो एक चीज और है, ये व्हाइट और ये ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखो अगली चीज भी देख लेते हैं, एक और क्वेश्चन, एक ही तो है, पढ़ लेते हैं इसको पहले। दीपू लाइक्स ब्लू कलर एंड ईशान लाइक्स रेड कलर, ईशान लाइक रेड कलर, तो इसका रेड है, इसका ब्लैक है, इसका व्हाइट है, फारूक का भी पता नहीं है, उसके साथ साथ एक दीपू है, उसका कौन सा है, उसका कौन सा है, ब्लू है, चलो ब्लू है। आई होप इतना समझ में आ गया हूं। अब देखो इसको मैं ऑर्डर को सेटल करता हूँ, ऑर्डर को मैं सबसे ऊपर ईशान आ रहा है और उसको रेड कलर पसंद है, तो ईशान यहाँ तो आ नहीं सकता। अब देखो कितना यूजफुल हो रहा है, मैं यहीं कहीं लिखता है डज नॉट लाइक ऐसे ऐसे करके, अब देखो सामने दिख रहा है मुझे कि यहाँ पे जो आएगा ना बंदा वो रेड कलर पसंद नहीं करेगा, नहीं मतलब रेड कलर नहीं, तो अब ईशान यहाँ नहीं आ सकता, तो ईशान यहाँ आ सकता है, तो पहला केस करते हैं स्टार्ट, ईशान, फिर उसके नीचे कौन है, बंदे कितने, एक दो तीन, तीन बंदे और तीन ही स्लोट है, तीन ही बंदे तीन ही स्लोट, तो इसी स्लोट में आएंगे, तो कौन आ जाएगा, बालवी अरुण फारूक, और कोई केस बनेगा ही नहीं क्योंकि तीन ही स्लोट है, चार ही स्लोट है और चार ही बंदे, तो उसी ऑर्डर में बैठ गए, ठीक है। अब बचा कौन है, दीपू, वो यहाँ रह गया, दीपू का कौन सा पसंद करता है, ब्लू, ठीक है, ईशान का कौन सा है, रेड, बालवीर का कौन सा है, ब्लैक, ठीक है, मैं पूरा पूरा लिख रहा हूं आपके लिए। अब और कौन सा हो गया, अरुण कौन सा पसंद करता है, व्हाइट, ठीक है। अब देखो बच्चे कौन कौन से कलर, यहां जो पसंद कर रहा है वो ब्लू और व्हाइट पसंद नहीं कर रहा, अरुण व्हाइट पसंद करता है, इसका येलो, सॉरी मैंने इसको क्रॉस समझ लिया था, येलो, ठीक है, ये येलो हो गया। अब बच्चा कौन सा है कलर, ग्रीन, ग्रीन था ना कलर शायद तक था, हाँ ग्रीन, तो यहाँ ग्रीन आ गया, तो ये आपकी पूरी पजल बन गई। अब आपके क्वेश्चंस भी देख सकते हैं, हम कैसे भी कर सकते हैं, ठीक है, तो चलो क्वेश्चन देख लेते हैं पहले। पहला क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी पर्सन आर ओल्डर देन दीपू, इससे ओल्डर कितने हैं, इससे नीचे वाले सारे ओल्डर हैं, एक दो तीन चार पांच, पांच कौन सा आंसर हो जाएगा, नन ऑफ दीज। हाउ मेनी पर्सन आर यंगर देन फारूक, फारूक से कितने यंगर, एक दो तीन चार पांच, यानी कितना होगा,
पांच यानी none of these. One who is the oldest among the preferred pen of, जो मतलब one who is oldest among them, मतलब सबसे जो oldest है वो कौन से कलर का पेन यूज करता है, सबसे oldest ये कौन सा पसंद करता है, green. आंसर आ गया green. ठीक है, one who prefers black pen, ये अच्छा क्वेश्चन है. One who prefers black pen, तो कौन है, ये है black pen वाला. Wants to change his pen with the pen a person who is older than him, मतलब वो चेंज करना चाहता है पेन बट उससे ओल्डर होने चाहिए. तो ओल्डर ये तीनों है तो उसके पास. अब आगे देखते हैं, देन हाउ मेनी ऑप्शंस कलर्स आर देयर बिफोर हिम, तो उसके सामने कितने कलर्स हैं, कितने, एक दो तीन, तो आंसर क्या है, थ्री. तो आई होप ये समझ में आया होगा आपको मेथड. कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा. वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर सकते हैं और इस तरह की मदद से तो सब्सक्राइब बटन कीजिए, उसके साथ बेल आइकन जरूर हिट कर लीजिए क्योंकि वो आपको उसके साथ फ्री मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिल जाते हैं. अब एक और मेथड आता है वो भी बच्चे यूज करते हैं और अच्छा मेथड है, मैं नहीं कहूंगा वो गलत मेथड है, परंतु बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड जब आती है ना पजल तो ये मेथड ज्यादा बढ़िया रहता है. हम कोशिश करते हैं उसको भी समझ लेते हैं. देखो क्या है वो मेथड, बहुत ही सिंपल मेथड है, बहुत अच्छा मेथड है. मैं नहीं कहता कि ये मेथड आप यूज करो, आप उसमें कंफर्टेबल है तो उससे कीजिए. आपको कितने दिन है, छह दिन है, ऐसे बना लो, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार पांच और छह. ठीक है, सबसे बड़ा वाला यहाँ होगा, ये एज का ऑर्डर दिखा दिया मैंने, और सबसे नीचे वाला ये होगा. अब मैंने पहली लाइन क्या की, द एल्डेस्ट पर्सन डज नॉट लाइक ब्लू और व्हाइट कलर, तो यहां मैं लिख लेता हूँ क्रॉस. चलो मैं थोड़ा एक बार मिटो के वापिस बनाता हूँ उसको, थोड़ा छोटा बनाता हूं ताकि आपको चीजें वो अच्छे समझ में आए. एक दो तीन चार पांच छह, एक दो तीन चार पांच छह, छह जने हो गए. इधर मैं लिख रहा हूं क्लोज जो चीजें नहीं है, और इधर मैं लिख रहा हूं वाई एक चीज, क्योंकि पर्सन तो इसी के बीच में आ जाएंगे. बात है कलर की, ठीक है, जो नहीं करता वो ऊपर लिख दूं, जो करता है वो नीचे लिख दूं. द एल्डेस्ट, एल्डेस्ट कौन होगा, ये सबसे बड़ा, ये साइंस से भी पता चल रहा है. डज नॉट लाइक ब्लू और व्हाइट, तो इसको मैं लिख लेता हूं ब्लू और व्हाइट. ठीक है, द यंगेस्ट पर्सन डज नॉट लाइक रेड कलर, तो इसको मैं यहां लिख देता हूं रेड और ब्लैक. आई होप इतना समझ में आ गया, थोड़ा जल्दी करा रहा हूं ताकि आपको समझ में आए. चिंटू लाइक्स येलो कलर एंड ओनली वन पर्सन ओल्डर देन हिम, ओनली एक पर्सन ओल्डर है, तो चिंटू यहां आ गया और पसंद कौन सा करता है, येलो कलर. ठीक है, आगे चलते हैं. अरुण लाइक्स व्हाइट कलर एंड इज ओल्डर देन ईशान बट यंगर देन फारूक, अरुण इज ओल्डर देन ईशान, यानी अरुण आगे आया होगा ईशान से और क्या कह रहे हैं, यंगर देन फारूक, यानी यंगर देन फारूक. आई होप इतना समझ में आया होगा. ठीक है, यंगर देन फारूक आगे इतना सुनने. और अरुण के साथ एक चीज और है, ये कहा गया है इसके अरुण के साथ कि व्हाइट कलर पसंद कर रहा है. अब देखो इसको मैं कई जगह बना सकता हूँ, इसको मैं यहाँ फिट कर सकता हूँ, यहाँ फिट कर सकता हूँ, यहाँ, तो इसलिए फिक्स नहीं पता ना, इसलिए मैंने एक अलग से बना ली. ठीक है, अगली देखो, बालवीर लाइक्स ब्लैक कलर एंड यंगर देन अरुण, यंगर देन अरुण, तो यानी बालवीर है, यंगर देन अरुण है, तो अरुण यहाँ आया होगा, यंगर देन अरुण हो गया. और फिर उसके बाद क्या कह रहे हैं, बट ओल्डर देन ईशान, ओल्डर देन ईशान यानी ईशान से बड़ा है. चलो ठीक है, और इसके साथ एक चीज है, ये ब्लैक कलर पसंद करता है. अब देखो क्या चीज है, इन दोनों को मिक्स करो, सबसे बड़ा कौन, फारूक, फारूक से आगे कौन, अरुण, अरुण से आगे ईशान है, पर तो ईशान से पहले क्या है, बालवीर है, अरुण के बाद बालवीर भी है, फिर उससे बड़ा ईशान है, तो बालवीर फिर ईशान, और इन दोनों के मुझे कलर भी पता है. ठीक है, अब देखो अगला देख रहे, दीपू लाइक्स ब्लू कलर, दीपू है एक बंदा वो ब्लू कलर पसंद करता है, चलो अच्छी बात है. एंड ईशान लाइक्स रेड कलर, ईशान कहाँ गया, ये रेड कलर पसंद करता है. ठीक है, अब देखो इस ऑर्डर को मुझे बनाना है, इस ऑर्डर को बनाने की कोशिश करता हूँ. यहाँ पे ये आ नहीं सकता, देखो यहाँ पे रेड कलर आ नहीं सकता क्योंकि ईशान रेड पसंद करता है और यहाँ पे रेड वाला आ नहीं सकता, तो अगले से स्टार्ट करता हूँ, देखता हूँ कोई केसेस बनेंगे या नहीं बनेंगे. पहले कोशिश करिए ईशान, फिर बच्चे देखो कितने सोलो, एक दो तीन, और बंदे कितने हैं, तीन, तो कोई केस नहीं बनेगा, डायरेक्ट ही उतार दो, वरुण बालवीर अरुण और फारूक बन गए. अब कलर देख लो, ईशान का कौन सा है, रेड, सॉरी नीचे लिखूं मैं, रेड है,
बालवीर का ब्लैक है साहित्य, ब्लैक है। अरुण का कौन सा है, व्हाइट है, इसका येलो है, और एक जो बच्चा दीपू उसका कौन सा रंग है, ब्लू, और इसका कौन सा रंग है, ग्रीन। तो इस तरह भी आप बना सकते हो, आपको अपनी मर्जी है, आप ऐसे बनाना चाहो तो ऐसे बना सकते हो, और वो मेथड चाहते हो तो वो मेथड बना सकते हो, आपको जिसमें कंफर्टेबल हो उसमें बना सकते हो। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, अच्छा लगे तो अगेन कह रहा हूँ आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि हाँ सर इस तरह भी मेथड कर सकते हैं, हाँ मैंने कोई गलती कर दी तो भी बता सकते हैं। इसके अलावा फेसबुक पेज पे आइए, क्योंकि हम आईबीपीएस कलर को एक ब्रॉड मैनर में हम तैयारी कर रहे हैं, बहुत अच्छे से हम प्रिपरेशन करेंगे, और अभी जो हम स्टार्ट करेंगे कुछ दिनों में कुछ अच्छी अच्छी चीजें और स्टार्ट करने वाले हैं। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, फेसबुक पेज पे आइए, और हमें हमारे पेज को आप सीधा भी सर्च कर सकते हैं, केबीसी बैंकिंग केशव भानु क्लासेस बैंकिंग नाम से हमारा पेज है, जरूर आएगा। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे, एंजॉय कीजिए, प्रिपरेशन कीजिए और सिलेक्शन लीजिए। थैंक यू।